तो कैसे हो दोस्तों, आई होप से बढ़िया होगा। आप लोगों को पता होगा आईफोन 14 के संग काफी सारे ऑसम फीचर लॉन्च हुए, उन्हीं में आपको देखने को मिलता है एक डेप्थ इफेक्ट, जो कि आप लोग इसको इनेबल कर सकते हो कुछ इस तरीके से ऑसम से लुक के साथ। आपको यहाँ पे इस तरीके का व्यू देखने को मिलेगा, साथ ही साथ और इस तरीके का व्यू देखने को मिलेगा, एंड ये भी व्यू देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसको यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। अब इस पर मैंने पहले 2 दिन पहले ही वीडियो बनाई है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो जाके देख लो आई बटन पे। लेकिन उसमें क्या है, आप उसको परमानेंटली यूज नहीं कर सकते, लेकिन इस वीडियो में ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप इसको यहाँ पे परमानेंटली यूज कर पाओगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को जैसे लाइक करना। हम यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वो वाली वीडियो देखी है तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोग इसको यहाँ पे कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पे इनेबल करने वाले हैं, थीम के साथ ही इनेबल करेंगे। काफी ज्यादा वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप लोगों को करना होगा अपना थीम स्टोर ओपन। थीम स्टोर ओपन करने के बाद आप लोगों को सर्च बार पे जाना होगा। सर्च बार पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक दो चीज सर्च करनी पड़ेगी, देख सकते हो, ए एंड यहाँ पे पी सर्च करना होगा। आपको यहाँ पे ए एंड पी टाइप करके यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे टाइप कर देना है। सर्च के ऑप्शन पे टाइप करने के बाद आपको दो थीम देखने को मिलेंगे, एक है एपी एवोल्यूशन, एक है एपी 2022। तो आप इनमें से कोई सा भी एक थीम डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें काफी सारे वॉलपेपर देखने को मिल जाएंगे, ये थोड़ा स्टॉक वाला देखने को मिल जाएगा। तो मैंने इस वाले को डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद आपको सीधा इसको यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। यहाँ पे तो मैंने ये पूरी तरीके से अप्लाई कर लिया। अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से व्यू देखने को मिलेगा। व्यू देखने के बाद आपको आना है यहाँ पे अपने कुछ इस तरीके से होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे आ जाने के बाद आपको करनी होगी अपनी गैलरी ओपन। गैलरी ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे काफी सारे वॉलपेपर देखने को मिलेंगे। तो वॉलपेपर आपको कुछ इस तरीके से नॉर्मली साइज देखने को मिलता है। तो आपको अपने वॉलपेपर कुछ इस तरीके से जूम आउट करना होगा अपनी स्क्रीन के अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पे आप लोगों को रखना है कि यहाँ पे ध्यान रखना कि आप लोगों की जो क्लोक है वो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से मैच हो सके। एंड आप लोगों को इसको यहाँ पे पीएनजी में कन्वर्ट करना होगा। अब पीएनजी में कैसे कन्वर्ट करना है, इसका बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है, वो सब मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं। आप लोगों को जाके वो पुरानी वाली ये वाली वीडियो देखनी होगी, जो कि यहाँ पे देख सकते हो, डेप्थ इफेक्ट पहले 2 दिन पहले ही अपलोड करी है। जाके इस वीडियो में देख लेना, मैंने काफी अच्छी तरीके से इसमें बताया। इसमें बताने के बाद आप लोगों को आना होगा अपने थीम स्टोर पे। थीम स्टोर पर आ जाने के बाद वापस आना है, यहाँ पे देख सकते हो, बैक आ जाना है। यहाँ पे जो भी सर्च करा होगा आप लोगों को यहाँ पे आ जाना है। एंड यहाँ पे देख सकते हो प्रोफाइल, प्रोफाइल पे जाने के बाद आपको देखने को मिलेगा लोकस्टाइल। लोकस्टाइल पे जाने के बाद नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा कस्टमाइज। कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिलेक्ट ऊपर इमेज। ये थीम स्टोर पे अवेलेबल है आप लोगों का थीम, तो आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। एंड आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा पीएनजी फॉर्मेट टेक फॉर इफेक्ट, तो आपको इस पर टैप करके यहाँ पे पीएनजी वाला इफेक्ट यहाँ पे डाउनलोड करना होगा। अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो यार पुरानी वाली वीडियो देख लो, मैंने उसमें काफी क्लियरली वेव से बताया। ये वीडियो शॉर्ट करने के चक्कर में मैंने आप लोगों को नहीं बता रहा, तो आप लोग उसको जाकर देख सकते हो, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो वाली भी। अब यहाँ पे देखोगे मैंने ये पीएनजी वाली फाइल यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी देगा कि आपने जो यहाँ पे जो फाइल यहाँ पे सिलेक्ट करी है वो पीएनजी में कन्वर्ट है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो पीएनजी में, इसमें लास्ट में लिखा हुआ है, तो पीएनजी में कन्वर्ट है। अब नीचे वाले पे सिलेक्ट करना होगा। नीचे वाले पे देख सकते हो आप लोगों को जेपीजी फाइल फाइल डाउनलोड करनी होगी। यहाँ पे देख सकते हो जेपीजी आप लोगों को देखने को मिलेगा, इस पर टाइप करना। गैलरी पे जाना है। गैलरी पे जाने के बाद आपको वो वाली पिक्चर लेनी होगी जो कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट में ली होगी। तो ये स्क्रीनशॉट वाली पिक्चर मेरी ये रही, मैंने इसको इनेबल कर दिया। इनेबल करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा एक और ऑप्शन, यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन टाइम एनिमेशन। इसको मेरी सजेशन यही होगी कि आप इसको ऑफ कर दो। ऑफ करने के बाद आप लोग और भी कस्टमाइज कर सकते हो, काफी कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप लोग अपना नाम वाम जो भी आपको फीड करना है वो सब यहाँ पे फीड कर सकते हो। अगर आप लोगों को इसमें नाम डालना है अपना, यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं फटाफट नाम टाइप कर देता हूँ उसमें अपना। यहाँ पे देख सकते हो नाम फीड करने के बाद मैं जाऊंगा अपनी लोकेशन पे। लोकेशन पे जाने के बाद कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे व्यू देखने को मिलेगा। नीचे आपको गेस्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपका नाम फीड हो जाएगा। इस पर जैसे आप डबल क्लिक करोगे आपको इस तरीके से व्यू देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे देखने को मिलेगा देख सकते हो डेप्थ इफेक्ट वॉलपेपर, आपको इस पर टैप करना होगा। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे जो व्यू निकल गया वो कुछ इस तरीके से निकल गया। यहाँ पे देख सकते हो डेप्थ इफेक्ट इसमें इनेबल हो चुका है। बस आप लोगों को जो वॉलपेपर का साइज है वो काफी अच्छी तरीके से इरेज करना होगा। एंड ये काफी सारे वॉलपेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। आपको इसमें कोई सा भी वॉलपेपर लगा सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे देख सकते हो ये वाला वॉलपेपर मैंने यहाँ पे लगा लिया। एंड इसको यहाँ पे मैंने ये वाला चूज कर लिया, तो काफी अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे व्यू देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे कुछ इस तरीके से फिर से करना होगा। एंड डेप्थ इफेक्ट में जाओगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पे व्यू देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो लिटरली काफी ज्यादा ऑसम लुक आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे थीम जो भाई आपके थीम स्टोर पे अवेलेबल हो चुका है। तो और भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो यार वो पुरानी वाली वीडियो देख लो, क्योंकि मैंने उसमें एक एक चीज यहाँ पे समझाई थी। बस जाके ये देख लेना। बस ये वाली वीडियो में ये बताना चाहता था कि ये थीम आ चुका है थीम स्टोर पे। एंड यहाँ पे डेप्थ इफेक्ट वाली जो चीज है इसमें वर्किंग करी है। आप लोग इसको यहाँ पे इनेबल करना चाहते हो तो इनेबल कर सकते हो परमानेंटली, जब तक आपका मन चाहे। तो यहाँ पे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो थी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, एंड ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं बनाते रहूँ, तो जैसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मोटिवेशन मिल सके। इसी के साथ हम मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।